दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। इस वीडियो में आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया स्पॉट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए जानना, किन किन विषयों के लिए स्पॉट ऑनलाइन काउंसलिंग होगी ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कितने तारीख से कितने तारीख तक ये होगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सत्र 2022-23 में छत्तीसगढ़ में जितने भी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट और MCA के जो इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे जो संस्था है, उनमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA और MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी जो कोर्सेस है उनके फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद यहाँ पर जो संस्था है उसमें जो है प्रवेश अधिनियम जो भी उनका नियम है उनके अनुसार यहाँ पर एडमिशन दिया गया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई और उसके अलावा और भी कोर्स है, डिप्लोमा कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब कोर्स के लिए भी बहुत सारे जो चरण है उसमें यहाँ पर काउंसलिंग की गई कई स्टेप्स में, कई बार ये हुआ है। तो बहुत सारे राउंड के बाद भी इसमें सीटें खाली रह गई है। तो अब जो है इसके लिए ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर जो है तकनीकी संस्थानों में हेतु प्रवेश नियम 2022 के पॉइंट क्रमांक 6 के अनुसार पात्रता अनिवार्य होना चाहिए। ये जनरल एलिजिबिलिटी है, वो आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो कमेंट कीजिए। उसके लिए मैं अलग से सभी कोर्सेज यहाँ पे जितने भी कोर्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी वीडियो में सभी कोर्स की एलिजिबिलिटी अगर मैं बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा, अगर जिसको नहीं पता है कमेंट कीजिए, मैं दूसरा वीडियो इसके बारे में और भी बना दूंगा एलिजिबिलिटी को लेकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें कमेंट आते हैं एलिजिबिलिटी के तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो इसकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और विकल्प फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम इसके इस प्रकार है, डेट इसमें निर्धारित किया गया है। तो ये ऑनलाइन होगा, इसके लिए फर्स्ट राउंड के लिए जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो cgdte.rayapur.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और विकल्प फॉर्म भर सकते हैं और किसी एक संस्था को ही अपने विकल्प के रूप में भरने की छूट रहेगी, ठीक है। इसकी जो डेट स्टार्ट हो रही है 10 अक्टूबर से लेके 11 बजे से स्टार्ट होगी, 11 अक्टूबर तक 3 बजे तक, एक ही दिन का आपके पास समय रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पर दस्तावेजों का परीक्षण होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो उसी दिन से 10 अक्टूबर 11 बजे से लेके 11 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक ये होगा। बहुत फास्ट है, एक ही दिन का आपके पास समय रहेगा। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट को मेरिट लिस्ट दी जाएगी, वो 13 अक्टूबर को शाम के 4 बजे तक दी जाएगी और फिर 14 अक्टूबर को GOGB कॉलेज का आप लोग फॉर्म भरे रहेंगे। वहाँ उस कॉलेज पर यहाँ पर आवंटन हेतु अवसर लेने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में उपस्थित होना होगा, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो 14 अक्टूबर को आपको 11 बजे वहां पर उपस्थित होना होगा और इसकी जो एडमिशन ही 11 बजे आप वहां पर उपस्थित होंगे और 1 बजे से इसका एडमिशन स्टार्ट होगा 14 तारीख को 1 बजे से स्टार्ट होकर 15 तारीख के शाम 5 बजे तक ये एडमिशन होगा जिस संस्था या फिर इंस्टीट्यूट में आप लोग फॉर्म भरे रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद खाली सीटों की जानकारी 16 अक्टूबर को 11 बजे आएगी और उसके बाद अगर इसमें सीटें खाली रह जाती है पहले राउंड में तो सेकंड राउंड के लिए फिर से वैसा ही रिपीट होगा काउंसलिंग के लिए। ये वेबसाइट पर ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म रजिस्ट्रेशन और विकल्प फॉर्म भरना होगा 17 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के 3 बजे तक और उसके बाद फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को होगा
और द्वितीय चरण के लिए मेरिट सूची संस्थाओं को उपलब्ध कराएगी 20 अक्टूबर को 4 बजे। और उसके लिए फिर आपको एडमिशन प्रक्रिया जो होगी, उपस्थित आपको होना 21 अक्टूबर को 11 बजे अपने कॉलेजेस में। 21 अक्टूबर को दोपहर के 1 बजे से लेकर 22 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक ये एडमिशन होगा सेकंड राउंड के लिए। फिर खाली सीटों की जानकारी 25 अक्टूबर को यहाँ पर मिल जाएगी। तो यह था पूरा काउंसलिंग कार्यक्रम। यहाँ पर और निर्देश दिए गए हैं, वही है कि आपको एलिजिबिलिटी जो इसके अनुसार एलिजिबल होंगे उनको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर सीड अप एंटन से पूरा अभ्यर्थी को अपने दस्तावेजों का परीक्षण करवाना होगा, जरूरी है, उसके बिना यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और है, जिस संस्था का विकल्प फॉर्म भर रहे उस संस्था में उपलब्ध अधिक से अधिक 5 ब्रांच का विकल्प भर सकते, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं भर सकते। और जिन ब्रांच के लिए आप लोग भरेंगे उसी के लिए आपको आवंटन किया जाएगा और बाकी के लिए नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन अभी ले लिया है और इसका भी फॉर्म भरेंगे और इसमें एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, तो जब तक आप यहाँ एडमिशन नहीं लोगे वहाँ का एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे तो फिर वो पहले जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन लिए हो वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा। और किसी जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर cgdtecounseling@gmail.com पर भी जा सकते हैं। और ये जानकारी थी डेट्स को लेकर, तो अभी भी एक मौका है जो भी कोर्स मैंने यहाँ पर बताया हूँ उसके लिए। तो और एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन होंगे या फिर आप चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी को लेकर एक नया वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। जो ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो उसके लिए मैं बना दूंगा। देखिए टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं पहले राउंड का। सेकंड राउंड के लिए भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है, 17 अक्टूबर को होगा सेकंड राउंड शुरू। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।